उत्तर प्रदेश के मथुरा के कॉलेज में परीक्षार्थियों को कॉलेज प्रबंधन द्वारा कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंट के पेपर की फोटोस्टेट वितरण करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं परीक्षार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन पर समय पर पेपर न बांटने का भी आरोप लगाया है। ये खबर मथुरा के गोवर्धन इलाके के सिद्ध विनायक कॉलेज की, जहां एमकॉम फाइनल के फाइनेंशियल अकाउंट की द्वितीय परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रबंधन का लापरवाही बरतने का मामला प्रकाश में आया, जहां कॉलेज प्रबंधन ने परीक्षा प्रारंभ के समय सीमा के लगभग एक घंटे बाद प्रश्न पत्र की फोटो कॉपी परीक्षार्थियों को बांटी और परीक्षार्थियों से लगभग 45 मिनट बाद ही उत्तर पुस्तिकाएं छीन ली गई। ये सभी आरोप एमकॉम फाइनल के परीक्षार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन पर लगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कॉलेज प्रबंधन की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र की फोटो कॉपी परीक्षार्थियों को दी गई और उत्तर पुस्तिका समय सीमा से पहले ले ली गई। जहां योगी सरकार शिक्षा को लेकर काफ़ी संजीदा है, वहीं शिक्षा विभाग सरकार के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? एमकॉम फाइनल। क्या मामला है जो सिद्धि विनायक में जो सामने आया? सिद्धि विनायक में पेपर लेट मिला था 9:45 बजे और 12:30 बजे। कितने बजे पेपर मिला था? 9:45 बजे। 9:45 बजे पेपर मिला। बता रहे हैं फोटोशूट कॉपी दी गई है आप बच्चों के लिए? हाँ, ऐसा बता रहे थे कि वहाँ से यूनिवर्सिटी से ईमेल आ रहा है और वहाँ से फिर प्रिंट करके आ जाएगा। फोटोशूट करा के पेपर दिया है। और कितने बजे कॉपी ली थी आपसे? 10:30 बजे कॉपी ले ली और 9:45 बजे पेपर दिया था आपको। हाँ। पेपर आपका पूरा हो गया? नहीं, पेपर रह गया है। क्या पास हो जाएंगी? हाँ, पास होने लायक कर लिया। आपको ही दिया गया है, सभी छात्रों को ऐसे ही दिया गया है? हमारे रूम में तो सभी को ऐसे दिया गया, कुछ को पहले मिल चुका, मतलब प्रिंट होके आ रहे हैं जैसे भी उस हिसाब से। फोटोशूट करा कर ला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से सैयद जाहिद की रिपोर्ट।